नमस्कार। क्या कैंसर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स में भी हम आनंदमय जीवन बिता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिता सकते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस मार्च 20 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर लॉकडाउन लग गया, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। एक महीना लगातार टेस्ट चलते रहे और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी ये इतना रिस्की नहीं है, आप 3-4 महीने के बाद आना। वो जो एक महीना मैंने काटा वो मैं भीतर से खुश था, आनंद से काटा। वैसे वो उसकी 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि ये जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो उस पर भीतर से हम खुश रह सकते हैं। मुझे ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सब आनंद में कोश के कारण हुआ। कोश का अर्थ होता है खजाना। इसका मतलब हमारे भीतर आनंद का खजाना पड़ा है, जो हम वहां तक पहुंचकर कैसे आनंद लेना है ये हम आज उसके बारे में बात करने लगे। इससे पहले हमें 5 कोशों को समझना होगा। ह्यूमन बॉडी में ये जो 5 लेयर्स हैं, ये हैं, पहली है जो वो फूड से रिलेटेड है, खाने पीने से। दूसरी है वो सांस लेने से रिलेटेड है। तीसरी मन, चौथी बुद्धि, पांचवी आनंद। जैसे नारियल में सबसे लास्ट लेयर पे गिरी होती है, ऐसी ये जो लेयर्स हैं आनंद सबसे लास्ट लेयर पे पड़ा है हमारा। अब जो आनंद अन्नमय कोश है, फूड बॉडी है, इसमें हमने क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इस हर एक के लाइफ के अलग अलग क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में पता चल जाए जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती है। प्राणमय कोश में हम जनरली सांस है वो 2-3 सेकंड का लेते हैं। अगर हम कोशिश करें 5 सेकंड का सांस लेना और छोड़ना 5 सेकंड में एक दफ़ा हो तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। थर्ड लेयर है वो मन, मनोमय कोश। जो मनोमय कोश है, जो मन है, वो हमारी बॉडी में कोई पार्ट तो है नहीं, पर बहुत पावरफुल फोर्स है जो हमें ड्राइव करती है। ये जो विचारों का हमारे बंडल है उसी को मन बोलते हैं। ये 2 तरफ से आनंद ले सकता है। एक जो संसार है, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें से ज्यादा ऐश्वर्य भोगते हैं, वहां से आनंद लेता है। एक हमारे भीतर से, जो बाहर से आनंद लेते हैं वो छोटा आनंद है। जरा सोचिए, जो इससे भी बहुत बड़ा आनंद होगा वो भीतर हमारे है, वो उसके अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमने बहुत चीज़ बड़ी चीज़ मिस कर दी है। तो जो बुद्धि का रोल है वो डायरेक्शन का रोल है कि कैसे हम अंदर का भी आनंद और बाहर का भी आनंद लेकर बैलेंस्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं, और आनंद में कोश जो जॉय बॉडी है वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब हम एक कोशिश करेंगे 1 मिनट के लिए कि हम जो भीतर का आनंद है वो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकें। ये 1 मिनट की मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ये जो एक्सपीरियंस किया है, 1 मिनट के लिए अगर हम अपने मन को रिक्वेस्ट करते हैं वो मान जाता है। अगर मन मान जाता है तो हम सक्सेसफुल होंगे, अगर मन ही नहीं मानेगा तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। 1 मिनट के लिए हमने अपनी सोल को यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है हमने उसको 1 मिनट के लिए फील कर रहे हैं। बस फोन की हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फोन में जो सिम है वो कैसे उसके थ्रू कनेक्शन है। वो फोन हम कहीं भी चले जाएं वो फोन चल रहा है। ऐसे हम आत्मा के थ्रू परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। बस हमने अपने कनेक्शन में ध्यान लगाकर उस पर फील करना है कि भगवान तो हर जगह है, बस हमने अनुभव करना है। तो ये 1 मिनट में हम अगर फील करके सिंसियरली फील किया तो ये एक अच्छी सी फीलिंग आएगी आपको, अंदर से खुशी की लहर सी आएगी। इसका मतलब हम सक्सेसफुल हो गए, हमारा सिंसियरली एफर्ट्स हुआ है। नहीं, आप फिर ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट का क्या होता है। आनंद हम 3rd लेयर में ढूंढ रहे हैं जबकि आनंद 5th लेयर में पड़ा है।
एक जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं चाहे फिजिकली और मेंटली, ये 3 लेयर्स तक हैं, फूड बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड बॉडी। 4th लेयर है जो इंटेलेक्चुअल बॉडी या विजडम बॉडी, उसमें सोल्यूशन है। हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 4th लेयर में जाकर उसको सबको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करें। एक मैं और अपील करना चाहता हूँ, जैसे योगा डे होता है, ऐसे ही 1 जनवरी जब साल का शुरुआत होता है वो हमारा विजडम डे के रूप में मनाना चाहिए, ताकि हम पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा विजडम बढ़े और सब सुख से रहे। थैंक यू।